झांसी में आंख में मिर्च झोंककर 19 लाख रुपए की लूट की है। आपको बता दें पीड़ित ही फर्जी आरोपी निकला है। एसएसपी ने खुलासा किया है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम सेसा में नकाबपोश तीन बाइक सवार बदमाशों ने एक सेल्समैन की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 19 लाख रुपए लूट लिए थे। वारदात होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस के अलावा डीआईजी और एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन इस घटना का खुलासा चौंका देने वाला हुआ। जिसने शिकायत की वह आरोपी निकला। मालिक के 19 लाख हड़पने की मंशा से उसने लूट की साजिश रची। 27 मई को झांसी निवासी दीपेंद्र सिंह परमार ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक वो 19 लाख रुपए से भरा बैग लेकर कौंच से पूंछ की तरफ आ रहा था, तभी सेसा गांव में उसके साथ लूट हो गई। लूट की घटना को अंजाम देने वालों ने उसकी आंखों में मिर्च झोंक दी थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले के खुलासे के लिए तीन टीमें गठित कर दी। 23 मई को सीमेंट व्यापारी अजय साहू के आरोपी मुनीम दीपेंद्र सिंह परमार निवासी सिद्धेश्वर नगर आईटीआई थाना सीपरी बाजार और उसके साथी मनोज अहिरवार निवासी आईटीआई कॉलोनी सीपरी बाजार को 19 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया। सर 19 लाख रुपए लूट वाले मामले में क्या हिस्ट्री थी, क्या उसमें थी, कैसे कहेंगे? झांसी जनपद में 27 तारीख को शाम को एक सीमेंट कारोबारी का जो कलेक्शन एजेंट है वो कोंच जो जनपद जालौन से अपना कलेक्शन का पैसा लेके निकले थे, और झांसी जनपद एंटर करते ही उनका साथ एक घटना हुआ था, जिसमें उनका द्वारा कहा गया था कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे और उनका आंख में मिर्ची पाउडर डालकर पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। तो इस घटना खुलासे के लिए हम लोग तीन अलग अलग टीम गठन किए गए थे। इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया था, उसमें एक क्लू मिल गया था। उस क्लू से आगे बढ़ते हुए हमारे विवेचना के क्रम में हम लोग पूछताछ करते गए तो तब हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि एक ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो विक्टिम है उन्हीं के साथ मिला हुआ था। ये दोनों मिलकर प्लान करके ये घटना कार्य किए गए थे। ये जो कलेक्शन एजेंट है उनका खास मित्र है, पिछले 3 साल से इनका साथ लगातार एसी मैकेनिक का काम भी करता था, और घटना जिस दिन किए थे उसके बाद ये पैसा लेके अपना घर ले जाके एक सुरक्षित जगह पे छिपा के रख दिया था। हम लोग पूरा जो 19 लाख का है पूरा हम लोग बरामद कर लिए गए हैं। जो घटनास्थल पर जो वादी से जो दो मोबाइल भी लेके फरार हो गए थे उसको भी हम लोग बरामद कर लिया। तो 100% रिकवरी हम लोग 3 दिन के अंदर हम लोग इस घटना को खुलासा कर दिए। सर कैसे सर? जब घटना हुआ था घटना स्थल का आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए थे, और जो जिसका साथ घटना हुआ था वो विक्टिम से भी हम लोग जब पूछताछ कर रहे थे कुछ विरोधाभासा बयान दे रहे थे, उसको लेके हम लोग शक तो किए थे पहला दिन, बट क्योंकि वादी है तो इसलिए उनका साथ कड़ाई से पूछताछ नहीं किए थे। और जो जो पॉइंट्स हम लोगों को जो मिलते गया है उसके बाद क्रॉस चेक किए थे, और जब विक्टिम के साथ हम लोग टैकल किए हैं तब हम लोगों का घटना खुलासा हुआ। सर घटना को क्यों अंजाम दिया इन लोगों ने, क्या कारण? कारण ये है कि इन लोगों को कर्जा ज़्यादा हो गया बता रहे हैं, उसको लेके ये लोग परेशान थे। तो और जब इनको 1 महीने के बाद मौका मिला था कि अधिक संख्या में पैसा मिलने वाला है, और मालिक को धोखा देकर इन लोग ने अपना एक साथी के साथ मिलकर ये घटना अंजाम किया। अभी तक अपराध इतिहास नहीं है, ये लोग कलेक्शन एजेंट का काम करते थे, अभी कर्जा का वजह ये परेशान